यहाँ हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कॉन्स्टेंट्स। तो फोर्स का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अब इसका सीजीएस यूनिट हमें लिखना है। यदि सीजीएस यूनिट लिखना है तो सीजीएस यूनिट के लिए देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के लिए पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। एम किसके लिए? मास। मास के लिए सीजीएस में कौन है? ग्राम, तो ग्राम लिख लिया। लेंथ, लेंथ के लिए कौन था? सी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लिया। और टाइम के लिए कौन था? एस, सेकेंड, तो सेकेंड टू दी पावर माइनस टू लिख लिया। और पारंपरिक रूप से इनके इस पूरे यूनिट के एक और नाम दिया गया है सीजीएस यूनिट फोर्स का, डाइन कहलाता है। चला आ रहा है शुरू से ये नाम, तो ये भी आप सुन लेते हैं एक बार। ऐसा यूनिट्स क्या है? तो सीजीपीएम वालों ने जो सोचा था एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्मेट, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का देखिए, एम मास है और एम मास है तो यहां पर आ गया किलोग्राम, एल है लेंथ मीटर और टी है टाइम सेकेंड, सेकेंड टू द पावर माइनस टू, किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस टू एंड कॉल्ड न्यूटन और एम। यदि हम लोग कहते हैं कि इसे न्यूटन कहा जा रहा है तो यहां अपने सामने न्यूटन कहने के पीछे का कारण एक बार हम सोचें कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट बार बार लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ता। यदि ये यूनिट बार बार लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ता तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके लिए सोचा कि कुछ छोटा लिखे। तो सीजीपीएम वालों ने कहा ऐसे कैसे छोटा लिख देंगे, तो दुनिया वालों को उन्होंने बताया कि न्यूटन बड़ा मेहनती था, बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट था। तो उसके सम्मान में इस पूरे फोर्स के यूनिट को, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, न्यूटन हम आज से बुलाएंगे। लोगों ने कहा कितने अच्छे लोग हैं, न्यूटन का सम्मान कर रहे हैं। और पीछे छुपा हुआ एजेंडा ये था कि बार-बार ना लिखना पड़े और न्यूटन लिखने में भी आलस आएगा, बड़ा सा नाम था तो कैपिटल एन, एक अक्षर से ये यूनिट रिप्रेजेंट होगा, ऐसा यूनिट। और यदि पूरा नाम आप लिख रहे हैं तो प्रॉपर नाउन तो यहां ये है नहीं, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट दिखे तो उसके पूरे यूनिट को लिखते समय आप स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे ना, कैपिटल लेटर से नहीं। तो हम लोगों को अभी अभी क्या पता चला है कि जब हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला अवेलेबल होगा जैसे एमएलपी माइनस टू, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर उसके यूनिट लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम में। सर किसी भी सिस्टम में एग्जांपल समझाओ। अच्छा चलो, एक सिस्टम हुआ करता है फुट पाउंड सेकेंड, एफ पी एस, फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए और सेकेंड टाइम के लिए। तो ध्यान से देखिए एफ पी एस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हम क्या कहेंगे? एम के लिए पाउंड, एल के लिए फुट और ये टाइम के लिए सेकेंड, सेकेंड टू द पावर माइनस फुट पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एमएसआई इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर हम यूनिट लिख सकते हैं। ये खासियत हमें मिला, ये सुविधा हमें मिली। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल देखिए। यदि वर्क का लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला था एम एल टू टी माइनस टू। सर मुझे तो ये नहीं याद रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करके याद होगा। चलो वर्क एफ एस होता है, उससे सोच लो एफ के लिए एम एल टी माइनस टू और एस के लिए एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया एम एल टू टी माइनस। अब इसका सीजीएस यूनिट लिखेंगे, देखिए
एम के लिए मास के लिए ग्राम, एल लेंथ के लिए सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड, पावर माइनस टू है तो यहाँ पावर माइनस टू। तो सीजीएस यूनिट हो गया वर्क का क्या, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड कॉल्ड अर्थ। पारंपरिक रूप से इस यूनिट को सीजीएस सिस्टम में वर्क के यूनिट को, एनर्जी के यूनिट को अर्घ कहते हैं। तो हम अर्घ भी याद रखते हैं तो अच्छी बात, और नहीं याद रहे तो बहुत दुख की बात नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा यूनिट्स ही काम के, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही हमें सिलेबस में मेनली पढ़ना। लेकिन दूसरा कोई सिस्टम जब हम जानते रहेंगे तो यदि दूसरा तीसरा चौथा कोई सिस्टम हमें मिलेगा तो हम ज्यादा कष्ट में नहीं आएंगे, उनको आपस में कैसे रिलेट करें इसकी भी टेक्निक हम फिर सीख पाए। तो मैंने बगल में इसलिए सीजीएस की चर्चा की। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, अब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क में कैसे सोचेंगे, एम के लिए किलोग्राम, एल के लिए मीटर, उसका स्क्वायर है एल का तो यहाँ मीटर का स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड, सेकंड का पावर कितना यहाँ माइनस टू, यहाँ माइनस, क्या पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब भी फिजिक्स में वर्क लिखोगे तो उसका नंबर के साथ मेजर्ड वैल्यू में ये यूनिट लिखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बार बार लिखना बहुत कठिन काम है। तो फिर सीजीपीएम वालों ने चालाकी, उन्होंने कहा जूल बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, तो उसके सम्मान में इस पूरे यूनिट को जूल कहेंगे, वर्क का ऐसा यूनिट को आगे क्या कॉल करेंगे, जूल। तो जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल जे से शुरू करेंगे, और केवल एक अक्षर यूज करना चाहते हैं साइंटिस्ट के नाम का यूनिट के लिए, तो कभी स्मॉल लेटर नहीं, हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे, जैसे जूल के लिए कैपिटल। सर एन न्यूटन, हाँ फोर्स के लिए था, और ये जू के जे वर्क के लिए, हम लोगों ने ये समझ लिया वर्क के लिए कैसे उनके यूनिट्स लिखे जाए। अच्छा चलो आप बता दो, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में जाएंगे तो एम के लिए क्या यूज करेंगे, मास के लिए पाउंड, एल के लिए क्या यूज करेंगे, फुट, तो पाउंड फुट स्क्वायर और सेकेंड टू दी पावर माइनस टू, पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग सिस्टम में ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला देख के आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ यदि हम लोगों के सामने प्रेशर एक आता है वर्ल्ड, तो प्रेशर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, कहां से फोर्स के लिए हमने याद किया एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए लेंथ इंटीग्रेट एल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यदि ऐसा आ गया तो हम लोग अब यूनिट लिखने की सोच रहे हैं, तो सीजीएस यूनिट प्रेशर का क्या हो जाएगा, एम के लिए ग्राम, एल के लिए सेंटीमीटर टू दी पावर माइनस वन, एल टू दी पावर माइनस वन के लिए, और टी टू दी पावर माइनस टू के लिए सेकेंड टू दी पावर माइनस टू। सर इसका कोई और नाम नहीं है, अरे सब के और नाम हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होगा प्रेशर का, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह एंड कॉल्ड पास्कल, इसको सीजीपीएम वालों ने नाम दिया पास्कल के नाम पे, प्रेशर के लिए इनका बड़ा योगदान। और अब पास्कल में केवल एक पी नहीं यूज करते, परंपरा है कैपिटल पी और एक ए, दोनों मिल करके ये प्रेशर के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसा यूनिट जब प्रेशर का लिखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर वर्ड यूज करते हैं जब माइनस पावर होता है, क्योंकि आप जब कहते हैं ना किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम बाई मीटर होगा, ऊपर आएगा तो पावर माइनस वन होगा, ऐसे इसे क्या पढ़ेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को ये दिख रहा है प्रेशर का यूनिट एसआई किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चूंकि लिखने में आलस आएगा और हमारे लिए एसआई यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म मिल जाए वो जरूरी है, तो मान लिया ये पास्कल और इसको पी ए बुलाए पास्कल।
एसआई यूनिट्स इसके और भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट प्रेशर में आप जान, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का एसआई यूनिट जैसे आप कॉल कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, ये भी एसआई यूनिट है, पास्कल ये भी एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट के लिए सर और नाम देखो मुझे याद नहीं है, यदि और कुछ होते भी होंगे तो सबके हम सीजीएस के नाम याद करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एफपीएस के सबके कोई अलग नाम हो और मैं याद करने में लगा हूं कोई आवश्यकता नहीं, तो सर एसआई वाला क्यों अलग नाम याद करवाते हो, क्योंकि एसआई सिस्टम आपके सिलेबस में है, कभी वो पास्कल लिखेगा, कभी पीए लिखेगा, कभी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेगा, कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेगा, आपको इससे अपनी जान पहचान बढ़ानी होगी। तो सर कब तक मैं याद कर लूं, अरे यार आज ही हो जाए तो अच्छी बात, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो 10वां चैप्टर तब जाके काम पड़ेगा, उस समय तक आते आते याद भी हो जाएगा। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, यदि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता रहेगा तो हम यूनिट लिख सकते, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला पता रहेगा तो, यहां एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके यूनिट्स हम लिखने की सोच रहे थे, परेशानी ये है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों को डायमेंशन ही नहीं पता। सर वो तो मैं याद कर लूंगा, तो बड़े खुशी की बात, तो सीधे यूनिट लिख लेना, और जिसको नहीं याद है 2 मिनट रिकॉल करो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी क्लास में मिला होगा 9th या 10th, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, दो पार्ट के लिए यदि एम वन एम टू आर दूरी पे हो तो उनमें जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ जी क्या होगा एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, एफ के लिए एम एल टी माइनस टू, आर क्या है डिस्टेंस वो भी एल एल स्क्वायर एल आर स्क्वायर के बदले, और एम वन एम टू दोनों मास है एम इन टू एम, कितना आ गया m टू द पावर माइनस वन l टू द पावर थ्री t टू द पावर माइनस टू, ये आ गया जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला आपके हाथ लग जाए तो अब सीजीएस यूनिट तुरंत लिख दो, कैसे, m के मास के बदले ग्राम, ग्राम टू द पावर माइनस वन, l लेंथ सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि l क्यूब है, t टू द पावर माइनस टू तो उसको लिखेंगे s टू द पावर माइनस टू, माइनस वाले को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसा यूनिट जी का कैपिटल जी का क्या हो जाएगा, किलोग्राम टू द पावर माइनस वन, मीटर टू द पावर थ्री, सेकेंड टू द पावर माइनस टू, या मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे पढ़ सकते। तो सर इसका कोई खास नाम नहीं दिया गया भाई, सबके खास नाम दे देंगे तो फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये किलो हमने बेस क्वांटिटी क्यों बनाए, बेस क्वांटिटी क्या सोचकर बनाए थे कि मुझे सात के ही नाम याद रखने पड़ेंगे बाकी का उससे डिराइव कर लेंगे, तो बाकी का हम डिराइव जरूर करते हैं लेकिन वो यदि कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसके कुछ के जो बार बार आने वाले थे नाम दे दिए गए, कुछ फिजिक्स के फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन के नाम को सम्मान देने के लिए और आलस में आकर के, दोनों बातें, लेकिन सबके यदि हम अलग अलग नाम दे देंगे तो उतना याद कौन रखेगा, ये भी तो सोचो, इसीलिए सबके नाम नहीं दिए गए, और यदि आपको किसी बुक में दिख भी जाए तो खुशी की बात आप याद करो, नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट, अब देखिए ये बेहतर यूज में आता है जब आप थर्मोडायनामिक रेडिएशन पढ़ते हैं उस जगह, और नहीं तो और ज्यादा यूज में आता है जब मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं उस जगह, 6.62 × 10⁻¹¹ ये प्लैंक्स कांस्टेंट यदि h आपके सामने है और हमें इसका एक फॉर्मूला दे दिया गया एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, यदि इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई तो h का हम कैसे यूनिट लिखेंगे समझिए, h का यूनिट हो गया e by न्यू, पहले एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी देख लो, h का यूनिट नहीं, h का फॉर्मूला हमने देखा e by new, energy by frequency,
और यदि आप इनर्जी की बात करते हैं तो ML टू T माइनस टू T माइनस वन। सर ये फ्रीक्वेंसी T माइनस वन कैसे हो गया? तो फ्रीक्वेंसी ये देखिए, ये जो यहाँ सही का निशान बना हुआ दिख रहा है, जिसको मैं बार बार न्यू पढ़ रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, एज ए 11th स्टूडेंट इसका यूज आप कम करते हैं। आपने थीटा कुछ बच्चों ने देखा होगा 10th में, वो थीटा, कुछ ने अल्फा देखा होगा, वही अल्फा बीटा थीटा वाले परिवार का ये सदस्य है, विद अल्फाबेट है ये, और इनको कहते हैं न्यू। जैसे आपने ओम देखा था रेजिस्टेंस के लिए यूनिट्स में, तो वो सारे जो है लेटर्स वो किसके हैं? ग्रीक अल्फाबेट्स। ये न्यू है, इसको न्यू बुलाते हैं, और लिखते कैसे हैं? सही के निशान जैसा। और इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो सेकंड में मेजर करोगे, तो 1 बाय टाइम पीरियड 1 बाय टी या टी माइनस वन होगा उसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब एच का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना था तो इनर्जी एम एल टू टी माइनस टू और नीचे टी माइनस वन, सॉल्व करके देख रहे हैं एम एल टू टी माइनस वन। अब यदि ऐसा यूनिट लिखना होगा तो एम के लिए किलोग्राम, एल के लिए मीटर स्क्वायर, टी के लिए सेकंड, सेकंड की पावर माइनस। तो हम लोगों को जब भी कोई नया क्वांटिटी मिलेगा फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें समझ में आनी चाहिए। हम निकालेंगे पहले के पढ़े क्वांटिटी से रिलेशन को देखकर, और डायमेंशनल फॉर्मूला यदि निकल आएगा तो यूनिट लिखना सीख जाएंगे। सर इसका भी कोई नाम है? नहीं, कोई नाम नहीं, अलग यही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब सोचो एप्लीकेशन नंबर टू, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर। कन्वर्ट वन न्यूटन फोर्स इंटू डाइन, मतलब कहां से कहां? एसआई से सीजीएस, नीचे लिखा भी हुआ है तो आप परेशान ना हो। कन्वर्ट फोर्स एसआई से सीजीएस। अब वन न्यूटन को डाइन में आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर मैं तो कुछ भी कर लूंगा, याद ही कर लूंगा। अरे यार, याद अच्छी विचार है, लेकिन याद करने से पहले इसे देखो, पहले तो फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्योंकि फोर्स के ही यूनिट में आप कन्वर्जन देखना चाहते हैं, एम एल टी माइनस टू। तो वन न्यूटन उसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे? एम के बेसिस पे देखिए किलोग्राम, एल के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। हमने लिखा वन न्यूटन इक्वल्स टू वन किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर माइनस टू, डिनोमिनेटर में ले आए वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, वन किलोग्राम को हम लिखते हैं ना 1000 ग्राम, और मीटर को 100 सेंटीमीटर। ये क्लास 7th में आप लोगों को याद करवाया गया है कन्वर्जन, बहुत बच्चों को याद नहीं होता, तो अभी भी मौका है, 7th वाला किताब उठा के देख लो थोड़ा सा। किलोग्राम 100 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, ये सारे प्रोडक्ट में 10 टू द पावर 5 आ गए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी का नाम था सीजीएस यूनिट के लिए डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना बड़ा आसान। फिर से मैं बताऊं, सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले आपने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, क्योंकि आपको न्यूटन और डाइन में संबंध चाहिए, तो फोर्स के यूनिट है वो। फिर आपने न्यूटन से शुरुआत की, वन न्यूटन, ये न्यूटन कौन था यूनिट के लिए? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम के बदले आपने 1000 ग्राम रख दिया। सर ऐसा क्यों किया? ये भाई डाइन में जाना चाहते हो, मतलब सीजीएस में ना, सीजीएस में ले जाओ ना, एम को सेंटीमीटर में रख दिया। सर ये याद कौन करेगा? क्लास 7 वाला बच्चा। सर मैं तो 11th में हूँ। ढूंढो किसी छोटे भाई से किताब, मांगो, रिवाइज कर लो।
अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10^5 टाइम 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 टाइम। सर मैं तो एक ही दिन में याद कर लूंगा, तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ये तरीका नहीं पता है तो कई क्वेश्चन आपके गलत होंगे, गारंटी मैं दे देता हूँ। सर क्या ये तरीका सीखना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, मुझे नहीं आएगा तो आप यूनिट कन्वर्जन में गलत करोगे, नहीं कर पाओगे, कोई खास बात थोड़े ना। चलो कोशिश करते हैं। देखिए वर्क का SI से CGS में ले जाना चाहते हैं, जूल से अर्ग में ले जाना चाहते हैं, वर्क का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं FS, FMLT-2 और SL। यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया है, हम लोग बात कर रहे हैं ML2T-2। 1 joule इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 joule इक्वल्स टू, वो तो भूल जाते हैं हम लोग, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देख देख के लिखेंगे। M के लिए किलोग्राम, L के लिए मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए पर सेकेंड या सेकेंड^-2 या पर सेकेंड स्क्वायर। सर आपको क्यों लगता है कि मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहेगा? अरे यार, चैप्टर पढ़ रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन, और डायमेंशनल फॉर्मूला मैं नहीं याद करूंगा और लिखना भी नहीं सीखूंगा तो चैप्टर तो डूबेगा ही ना, बचाएगा कौन? तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो लिखना सीख लो, कुछ क्वांटिटी का याद रखो, बाकी का डिराइव कर लो। जैसे मैंने फोर्स का याद कर लिया, डिस्प्लेसमेंट का हम जानते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का निकल आएगा। सर मैं तो वर्क का याद कर लिया, तो बड़े अच्छे बच्चे हो, मैंने नहीं याद किया तो निकालना सीख लो। सर मैंने निकालना भी सीख लिया, याद भी कर लिया, आप सबसे अच्छे बच्चे हो। सर मुझे अच्छा नहीं बनना, तो कम से कम डिराइव करना सीख लो यार, मत याद करो। चलो आगे बढ़ो। 1 joule इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 kilogram मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kilogram मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए अब किलोग्राम को बदलेंगे 1000 ग्राम में। सर ये कहाँ से आ जाता है किलोग्राम बराबर था? किलो मतलब 10^3, याद रखना, किलो मीटर 10^3 मीटर, किलोग्राम 10^3 ग्राम, ध्यान रखिएगा। तो किलोग्राम तो ये बदल गया, मीटर को लिख दिया 100 centimeter। सर वो, अरे यार फिर से यार, क्लास 7th वाला मैथमेटिक्स का बुक या फिजिक्स का बुक, 100 centimeter का स्क्वायर, 1000 ग्राम 100 centimeter स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 100 centimeter मीटर के बदले 100 centimeter लिखा है, जब स्क्वायर करेंगे तो 100 का भी स्क्वायर करेंगे और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर दे देगा 10^4, ये है 10^2, उसका स्क्वायर करेंगे, हाँ 10^4, और ये 10^3 है, जुड़ के हो गया 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS यूनिट था क्या? और हम लिख लेंगे 1 joule इक्वल्स टू 10^7। यहां तक में जिन लोगों को बहुत कष्ट हो वो या तो चैट में मुझे लिख के बताएं या चिल्लाएं अनम्यूट करके अपने आप को, सर एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा। और यदि लगे समझ में आया है तो हैंड राइज करो, जिनके जिनके समझ में आया हैंड राइज करो अपना, जिनके जिनके समझ में आया। आप में से 5 पार्टिसिपेंट ने हैंड राइज किया है, तो कुछ जो छूट गए उनको कौन सा मैं फिर से समझाऊं, आप बताइए। सर मैंने तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही आज तक नहीं सीखा, फिर ये चैप्टर अभी नहीं समझ में आएगा। सर डायमेंशनल फॉर्मूला मैं 1 महीना बाद सीखूंगा, तो उसके बाद मुझे कहना, मैं 5 मिनट में ये सिखा दूंगा। सर उससे पहले टेस्ट हो जाएगा, उसमें 0 नंबर भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, गलत करोगे तो घबराना नहीं है, नहीं सीखना कोई गुनाह नहीं होता। जिस दिन लगे आज तो मुझे सीखना है, उस दिन तुम पीछे पड़ो, आज सर मुझे सिखाओ। और जिनको अभी सीखना है तो आप अनम्यूट करो और मुझे बताओ
मुझे एक बार और समझना है, यदि नहीं सीखना हो तो कोई बात नहीं। बताइए किनको फिर से सीखना है, चैट में बताना चाहे तो चैट में बताइए, मैं चैट का विंडो ओपन कर चुका हूं। जिनको फिर से सीखना हो, यदि ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। मैं मान लेता हूं कि आप में अधिकतर बच्चों को ये दो एप्लीकेशन समझ में आया। कौन कौन सा दो एप्लीकेशन? कि डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो हम यूनिट लिख सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा हम यूनिट को एक यूनिट सिस्टम से जैसे सीबीएस से दूसरे यूनिट सिस्टम एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के लिए मैं नेक्स्ट फाइल शेयर करता हूं। तीसरा एप्लीकेशन है, वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस मेथड टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तीसरा एप्लीकेशन है, वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस मेथड टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। अच्छा, डायमेंशनल करेक्टनेस वाला जो लैंग्वेज है उसके बारे में मैं बताता हूं। आप सोचना, आपके दिमाग में पहले से है लेकिन इस नजरिए से उसे आपने नहीं देखा, आज देखो। आप मुझे सोच के जवाब दो, कोई भी फिजिक्स का रिलेशन है तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड का डाटा यदि किलोग्राम में है तो राइट साइड का डाटा भी कैलकुलेट होकर के किस में आना चाहिए, किलोग्राम में या सेकंड में या मीटर में? तो ऑब्वियस है, यदि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में किलोग्राम है तो राइट साइड में भी किलोग्राम ही चाहिए। यदि किलोग्राम 10 ये लेफ्ट साइड में किलोग्राम हो और राइट साइड का रिजल्ट सेंटीमीटर में आ रहा है, इसका मतलब आपका इक्वेशन गलत है। मींस डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन के लिए ये मस्ट है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो यूनिट रहे फिजिक्स के किसी फिजिक्स के रिलेशन के, राइट साइड में भी वही यूनिट रहे। ऐसा थोड़े ना होगा कैलकुलेट कर रहे थे टाइम और आंसर आ रहा है किलोग्राम, कैलकुलेट कर रहे थे मास और आंसर आ रहा है मोल में, या आंसर आ रहा है केल्विन में टेम्परेचर वाले यूनिट। आप जिस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो यूनिट चाहिए राइट साइड में वही यूनिट चाहिए, तभी वो इक्वल्स टू का साइन वैल्यू कहलाएगा। और आपका छोटा भाई आता है 10 मीटर प्लस 4 मीटर पूछने के लिए, आप बड़े प्यार से उसे समझाते हो, देख भाई 10 और 4 14 होता है ना, 14 मीटर ये हो जाएगा। और वही भाई आपके पास आता है कि 10 मीटर में 4 किलोग्राम मैं ऐड करता हूं, भैया 14 मीटर किलोग्राम लिखो, तो आप कान पकड़ के उठक बैठक करवा दोगे। क्यों? क्योंकि 10 मीटर और 4 किलोग्राम मिलके 14 मीटर किलोग्राम, ऐसा तो कोई गणित नहीं पढ़ा आपने, मीटर में किलोग्राम कभी ऐड नहीं कर सकते आप। मतलब यदि हम ऐड कर रहे हो दो टर्म को तो ये मस्ट है दोनों टर्म का यूनिट एक जैसा हो या डायमेंशन एक जैसे। यदि एक जैसा डायमेंशन नहीं होगा तो आप ऐड भी नहीं कर सकते।
सर सब्सट्रैक्ट, हाँ सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, एड और सब्सट्रैक्ट का एक जैसा रूल रहेगा। सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अलग अलग यूनिट वाले को कर सकते हो आप, जैसे एफ बराबर एम ए मल्टीप्लीकेशन चलता है, डिवीजन भी चलता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का अलग डायमेंशन, एरिया का अलग डायमेंशन। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए सेम डायमेंशन होना या सेम यूनिट होना जरूरी नहीं है, अलग अलग डायमेंशन वाले क्वांटिटी का भी डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन एड या सब्सट्रैक्ट करते वक्त ये मस्ट है कि जिन क्वांटिटीज को आप एड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डायमेंशन सेम हो, उनके यूनिट सेम हो। ऑब्वियस है डायमेंशन से तो यूनिट निकालते हो। और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आप क्लास इलेवेंथ में हो तो जरूर टेंथ में स्कूल गए पास किए, सर बारिश हो रही थी मैं तो एक दिन नहीं गया, उस दिन पढ़ाया गया होगा साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो साइन 30 डिग्री यदि 1/2 होता है तो कभी ये सोचा है कि साइन 30 डिग्री 1/2 किलोग्राम या 1/2 मीटर, सर वो तो नहीं लिखा। इसका आज से ये दिमाग में एक सोच बनाओ, थीटा साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा लॉग थीटा ई टू द पावर थीटा, ये जो सारे हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, सबके पावर 0 है मतलब 1, उसे कहेंगे डायमेंशनलेस। पावर वर्ड को अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका छोटा भाई पूछने आया 10 का स्क्वायर क्या होगा भैया, आप उसे कहोगे कि 1000, और बालक वही आया और आपसे पूछ बैठा कि 10 के पावर, पावर में मैंने 2 किलोग्राम रखा है भैया, अब बताओ क्या करोगे आप, तो तुम एक चाटा दोगे, तो बेवकूफ पावर में कभी किलोग्राम थोड़े न लिखते हैं, तो तुम आज से याद रखो कि पावर जब भी होगा तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, पावर केवल नंबर हो सकता है, क्योंकि 10 टू द पावर 2 किलोग्राम और 10 टू द पावर 2 मीटर उनके क्या अलग अलग कोई आज तक कभी लिखा है तुमने पावर में यूनिट के साथ, या यूनिट वाला पावर देखा है कभी, पावर्स आर डायमेंशनलेस। एंगल के बारे में बात करूं, एंगल को कैसे, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया था, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ मीटर में, रेडियस भी मीटर में, मीटर बाय मीटर कट गया, डायमेंशनलेस। तो एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, सर उसका यूनिट रेडियन है, हाँ तो एक अलग क्वेश्चन याद रखो कि डायमेंशनल डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट्स, क्यों, क्योंकि सीजीपीएम हैव कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड यूनिट्स फॉर एनी क्वांटिटी। तो दो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल वो डायमेंशनलेस है, लेकिन फिर भी सीजीपीएम ने उनके जबरदस्ती यूनिट दे दिया है, एक का रेडियन एक का स्टेडियन। तो कोई पूछे आपसे कि क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी के यूनिट हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सीजीपीएम की मर्जी, वो जिसकी चाहे यूनिट दे सकता है, उन्होंने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाए हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनके उन्होंने ऐसा यूनिट्स दिए हैं रेडियन और स्टेडियन। तो आज हमने एक और नया क्वेश्चन का आंसर करना सीखा कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होगा उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, तो यूनिट हो सकता है डायमेंशनलेस, इन्हीं दोनों को जनरली हमने देखा है यूनिट वाले, इनको इसलिए खास एक जगह दिया गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बाकी जनरली डायमेंशनलेस के यूनिट है नहीं। आगे देखिए उसी आइडिया को, यहां मैंने मेंशन किया है we can add or subtract quantities which have same dimension, powers are dimensionless, trigonometric, logarithmic and exponential functions gives dimensionless values. Next, ये angle dimensionless, left hand side, right hand side का एक जैसा dimension होगा, any equation is dimensionally correct when each term of equation have same dimension.
एंड सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, ये आइडियाज कुछ आ गए। अब आपके सामने आया s equals to ut plus half a t square dimensionally correct है कि नहीं, ये पता करने की जिम्मेदारी। तो s का देखा हमने क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का ये लेंथ, ut का lt minus 1 t ये हो गया l, और half a t square का half cos की एक नंबर है उसका कोई अभी मत लिखो इस पे, half का कोई डायमेंशन नहीं है क्यों, क्योंकि ये तो नंबर है, इसमें कोई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं है। ये का होता है LT माइनस टू, T टाइम है, T माइनस टू, T प्लस टू, ये टू प्लस टू माइनस टू जीरो हो गया, T टू जीरो जीरो वन हो गया, ये हो गया L। यहाँ देखो चूंकि UT भी L है, हाफ AT स्क्वायर भी L है, तो उनका सम करेंगे तो वो भी L होगा, क्यों, क्योंकि मीटर और मीटर जुड़ के मीटर ही तो देगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की एक जैसे यूनिट दिख रहे हैं, डायमेंशन दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपके पास जो भी इक्वेशन आए हैं, चूंकि आपने डायमेंशन तो आज देखा लेकिन वो करेक्ट है, तो इसका मतलब वो डायमेंशनली भी करेक्ट होंगे। यदि आपको स्क्रीन नहीं दिखे तो आप फिर से शेयर कर लें, बाकी बच्चों को दिख रहा होगा, आप लॉग आउट करें फिर से लॉग इन कर लें, हो सकता है दिखने लगे इसको। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं, यहां देखिए आपसे कहा गया s equals to ut plus half a t square is dimensionally correct। ये dimensionally correct है या नहीं एक बार देखो, s क्या था मीटर, ut क्या है मीटर, a t square क्या है मीटर, मीटर में मीटर ऐड कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले मीटर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये dimensionally तो correct है, लेकिन ये actual में correct नहीं है क्योंकि यहाँ half missing है। तो इससे ये तय होता है यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है भी, फिर से मैं कह रहा हूं, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है उसके बावजूद भी यह आवश्यक नहीं है कि वो रिलेशन परफेक्ट हो, सही हो, लेकिन यदि कोई रिलेशन डायमेंशनली गलत हो, लेफ्ट हैंड साइड में मीटर किलो मास आप ढूंढ रहे हैं और राइट हैंड साइड में निकल के आ रहा है सेकंड, तो ऐसे इक्वेशन को आप कहेंगे निश्चित रूप से वो गलत है। Hence, dimensionally correct equation need not to be actually correct, but dimensionally wrong equation must be wrong. सर इसका मतलब फिर से बताओ, तो देखिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है, s बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन s बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर परफेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि हाफ यहां मिसिंग, डेरिवेशन जब किया गया था इसमें तो हाफ आया था फॉर्मूले, तो डायमेंशनली करेक्ट होना यह गारंटी नहीं देता कि वो सही मायने में सही होगा इक्वेशन, लेकिन डायमेंशनली यदि कोई रॉन्ग है इक्वेशन तो ये आपको गारंटी देता है कि वो इक्वेशन रॉन्ग होगा ही होगा, रॉन्ग होगा ही होगा की गारंटी है, लेकिन सही होगा ही होगा डायमेंशनली करेक्ट वाला इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप इससे ये प्रूफ कर सकते हैं यदि कोई रिलेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो गया है तो इक्वेशन सही नहीं है, वहां गलती की जा चुकी है, गलत। अभी तक जो आइडिया आपके पास आया है उसका फायदा देखो इस क्वेश्चन को बनाने में कैसे लेंगे, x बराबर है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, जहां x मीटर में है और t सेकंड में है, a b c कोई कांस्टेंट है, उसके आपको डायमेंशन बताना है या डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो
आप चौंकोगे, सर कांस्टेंट है तो काहे का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं याद दिलाऊंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट देखे थे। अच्छा, तो कांस्टेंट के भी डायमेंशन हो सकते, प्लैंक्स कांस्टेंट के भी तो देखे थे डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, तो कांस्टेंट के भी डायमेंशन होंगे, हाँ हो सकते। यदि कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट हो, केवल नंबर हो, तो फिर उसके डायमेंशन नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज इन जनरल कोई कांस्टेंट है तो उसके डायमेंशन होंगे, हो सकते हैं। हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कोई कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होगा। अब अकल लगाओ, आप जो यहां देखोगे कि डायमेंशन, बहुत बढ़िया सोमा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहां यदि कैलकुलेट करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बेसिक आइडिया क्या था, देखिए बेसिक आइडिया था x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में x का जो डायमेंशन होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड जो डायमेंशन होगा वो एक जैसा होगा। यहां जो हम लिख रहे हैं ये हम लोगों को ये लाइन इसको हटाते हैं, इस लाइन को हटा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, यहां सम कर रहे थे ना डायमेंशन को, वो नहीं चाहिए मुझे, मैंने इसको अलग करके कलर कर दिया। पहले मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन एक जैसा है, यहां तक तो पहले तैयार हो जाओ। और राइट साइड में तीन टुकड़ों को आपने ऐड किया है, तो तीनों टुकड़े के एक जैसे डायमेंशन होंगे तभी तो ऐड करोगे। तो जब ए को हम ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं, इसका मतलब वो डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, स्पॉटलाइट लेके मैं बता रहा हूं, बीटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और सीटी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एक जैसा होगा, और वो किसके बराबर आएगा, एक्स के जैसा आएगा। फिर से सुनो, लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, राइट साइड के तीनों टुकड़े का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे डायमेंशन वाले को ही ऐड करते हैं। तो यहां पर जो हमारे सामने अब आया रिजल्ट वो देखो, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स के जैसा, एल बी टी का एक्स के जैसा। और बी टी का एक्स के जैसे का क्या मतलब, स्पॉटलाइट लेके मैं दिखा रहा हूं, बी टी का एक्स, बी का होगा एक्स बाई टी, एल बाई टी, एल टी माइनस वन। सी टी स्क्वायर का एक्स के जैसा का मतलब क्या, सी एक्स के टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एल बाई टी स्क्वायर, एल टी माइनस। आपके एक बार यदि ये समझ में आ जाए बहुत आसान क्वेश्चन कहलाता है, और नहीं समझने वाले के लिए तो कोई मतलब लिमिट थोड़े ना है, आप नहीं समझो, प्रयास जारी रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुष्का। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि डायमेंशनल करेक्ट कोई इक्वेशन हमारे सामने में आ जाए तो अननोन के कैसे डायमेंशनल वैल्यूज बताए जाए। इसमें शॉर्टकट ऐसे भी काम करते हैं, शॉर्टकट में यदि काम करना है तो देखिए, आप लोग करामात मत करिए, मुझे लिखने दीजिए। ये इस x का डायमेंशन l है, तो राइट साइड में इस पूरे का डायमेंशन
भी एल होना चाहिए। इसका मतलब है इस तीनों टुकड़े का अलग अलग एल होना चाहिए। अब गौर करो, ये पूरा का पूरा टुकड़ा एल है लेकिन यहां तो ये दिख रहा है टी। ये कलर मैं चेंज कर देता हूं, पहले तो इसे हटाओ। यहां देखिए इस जगह तो मेरे सामने आ रहा है ये टी। यदि यहां टी है और हमें ये बी और टी मिलकर के एल चाहिए तो ये बी के लिए हम क्या लिखना चाहेंगे? बी के लिए लिखना चाहेंगे एल टी माइनस वन। क्यों? क्योंकि जब इनका डॉट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी और टी माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एल निकल करके चला आएगा, तो बी का डायमेंशन हमें दिखने लगा एल टी माइनस वन, ए का दिखने लगा खुद एल। अब देखिए ये टी का तो हमें पता चल गया टाइम है ये टी स्क्वायर, तो सी टी का क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल बचेगा, तो सी का आपको पता चल गया एल टी माइनस टू। अरे थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आया ये पॉइंट भी? किनके किनके समझ में आ गया? हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, सबके एक ही दिन में समझ में आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। आप में से यदि ज्यादातर बच्चे समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इट्स ओके, और बाकी को घबराना नहीं है। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आपका कंफर्ट बढ़ेगा। जिनको ये रास्ता नहीं समझ में आया वो दूसरा रास्ता देख लें। x का डायमेंशन a के जैसा होगा, vt के जैसा होगा, ct स्क्वायर के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि x यदि मीटर है तो a भी मीटर होगा, vt भी मीटर होगा और ct स्क्वायर भी मीटर होगा। तो जिन लोगों को ये पसंद आए वो ये सोचो, x मीटर है तो a भी मीटर होगा, ये vt मिलके भी मीटर होगा और ये ct स्क्वायर मिलके भी मीटर होगा। तो ए का तो मीटर समझ में आ गया, टी का क्या है? टी का है सेकेंड। तो ये क्या होगा? बी का होगा मीटर बाय सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये मीटर में बदल गया। ये देखो यहां आप इसको देखो, ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है टी का सेकेंड स्क्वायर। ये सी का क्या होगा? यूनिट। तो मीटर चाहिए आपको, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं सेकेंड स्क्वायर को कट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? मीटर। तो सी का यूनिट क्या दिखने लगेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी माइनस टू। बी का क्या दिखने लगेगा? मीटर पर सेकेंड एल टी एल बाई टी एल टी माइनस वन। ए का क्या दिखने लगेगा? मीटर। ये कितने के समझ में आया? हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप में से अधिकतर बच्चों के समझ में आ गया। अब यदि एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया है तो पर्सनली चैट में मुझे लिखें और बताएं कि कौन सा पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है, या क्या एक बार फिर से समझाया जाए, तो लिखिए।
चैट में लिखना है आपको, चैट में लिखिए या अनम्यूट करके मुझे बताइए कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, और आपको लगे सो के वेलेंगे लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए मैं या नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अपने आप को तैयार करो। देखिए एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल के बदले है साइन, तो जैसे साइन थीटा लिखते थे थीटा के बदले ओमेगा टी है। सर ये ओमेगा कौन है, ये डब्लू जैसा जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा अलग, तो W को ओमेगा कहते हैं, तो सर ये किसके परिवार का सदस्य ढूंढ कर लाए आप, वही अल्फा बीटा के परिवार का है, थीटा के परिवार का, ओम के परिवार का है, मतलब ग्रीक अल्फाबेट्स है, तो सर ये यूज क्यों करते हो। अरे यार किया जाता है, परंपरा है, फिजिक्स में यूज होता है, करो ना, क्यों टेंशन लेते हो। तो सर एक अभी अभी न्यू आया था, फिर ओमेगा आया है, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, फाई जीटा ईटा काई साई सब कुछ आएगा, तुम घबरा क्यों रहे, जब एबीसीडी सीख गए तो अल्फा बीटा भी सीख जाओ, तो क्या दिक्कत, ये ओमेगा है, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी में एक्स है मीटर में और टी है सेकंड में, और आपको ए और ओमेगा का डायमेंशन बताना है या डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है या यूनिट बताना है, कोई एक काम हो जाए तो बाकी काम हो गया। इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ये यहां मैंने नीचे लिखा भी है, W को ओमेगा पर, ओमेगा टी वाला ही ओमेगा, ये और ओमेगा का डायमेंशन चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यदि x मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, और याद करो यहां से यहां तक ये जो होता है ये एक नंबर होता है केवल, याद करो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है, ना तो उसके साथ किलोग्राम होगा, ना तो उसके साथ मीटर होगा, ना तो उसके साथ सेकंड होगा, और चूंकि लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसा हमें चाहिए यूनिट, तो ये चूंकि नंबर है तो एक का मीटर होना मस्ट है, तभी तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा यूनिट होगा, और ये जो एंगल है ये एंगल डायमेंशनलेस होगा, तो टाइम को आप यदि सेकंड कहते हो तो ओमेगा का क्या होना चाहिए, पर सेकंड, क्यों, क्योंकि ये सेकंड और पर सेकंड मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा एंगल डायमेंशनलेस हो जाएगा, 1 m^2 l^2, तो a का यूनिट हो गया मीटर और ओमेगा का यूनिट हो गया पर सेकेंड, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l और ओमेगा का हो गया t^-1। जिन बच्चों के ये समझ में आया वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। अब जिनको मैथमेटिकली चलने का बड़ा शौक हो से चेक करें अगले पेज को, एंगल डायमेंशनलेस होता है, m^0 l^0, ओमेगा टी 1 है, ओमेगा 1/t है, t-1, आप मत कलाकारी करिए, मत लिखिए, यहां आगे बढ़ते हैं, पहले देख लो ये एंगल वाला कहानी, एंगल डायमेंशनलेस क्यों, अरे आर्क बाय रेडियस, यार आर्क भी मीटर, रेडियस भी मीटर, तो मीटर बाय मीटर डायमेंशनलेस,
आर्क भी लेंथ, मीटर रेडियस भी लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ डायमेंशनलेस। ओमेगा टी का है वन, तो ओमेगा का होगा वन बाय टी, वन बाय कैपिटल टी, टी माइनस वन। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अकेले है, राइट हैंड साइड में एक ए है और एक साइन ओमेगा टी है। ए का हमें पता नहीं, साइन ओमेगा टी का हमें पता है वन। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी साइन थीटा हमेशा डायमेंशनलेस वैल्यू देता है, एम टू दी पावर जीरो, एल टू दी पावर जीरो, टी टू दी पावर जीरो, या दैट इज वन। तो ए का किसके बराबर आ गया? एक्स के। एक्स का क्या होता है? एल। आपको लगे कि ये ठीक है तो यहां तक हम लोग चले आए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है कोई भी पीरियोडिक मोशन यदि हो तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे हो रहा है, तो वो जो टाइम इंटरवल है जिस पे वो रिपीट हो रहा है जिसके बाद, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो यदि छत से एक धागे से एक बॉल को लटकाओ बांध के और बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो बॉल ऑसिलेट करेगा, तो एक चक्कर में जो टाइम लगा रहा है दैट इज टाइम पीरियड। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड इस बात पे निर्भर करेगा कि बॉल के मास क्या है, रस्सी की लंबाई जिससे लटकाई वो क्या है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम इन चीजों पे निर्भर कर रहा है। अच्छा, निर्भर करने का मतलब क्या कि एल को दुगुना कर दें तो टाइम चार गुना हो जाए, मतलब ऐसा कुछ यदि है तो हम कहते हैं निर्भर है। निर्भर को हम कहते हैं प्रपोर्शनल। तो हमने माना और फिर आपसे कहा गया कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से उनके रिलेशन बताओ कि टी एल एम और जी पे कैसे वो रिलेटेड है एक दूसरे से। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड तो डायमेंशन पे काम करेगा, टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई, जी टू द पावर जेड। हमने मान लिया कि निर्भर तो है, किस तरह से? तो एल के पावर एक्स के। एल के पावर एक्स के निर्भर है, एम के पावर वाई के निर्भर है, और जी के पावर जेड के निर्भर है। बढ़िया, सोचिए एक बार। हाँ सही है। अब प्रपोर्शन पूरे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में कहीं हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बगल में। अब चूंकि यहां जिनके डायमेंशन हम जानते हैं उन सारे क्वांटिटी का नाम दे दिया गया, तो अब जो कांस्टेंट बचा होगा वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा, मतलब वो केवल नंबर होगा। इसका मतलब है कि वो डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ के बारे में हमने क्या लिखा, वेयर के इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, मतलब के का डायमेंशन लिखने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे वन। और टी का जो रिलेशन आया, यदि ये सही है, आप एसआई सिस्टम तो जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन लिखना भी सीख चुके, इन सारे क्वांटिटी के सीजीपीएम वाले सिस्टम में जब काम कर रहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डालो, टी का तो टी ही रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के डायमेंशन बराबर कर दो डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन के लिए, लेफ्ट साइड टी, ए का वन, एल का एल लेंथ ही है, एम मास एम कैपिटल एम, जी एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू, टू दी पावर जेड, एक्स वाई जेड तो नंबर्स। देखिए आपने जब ये लिख लिया तो आप बगल में m टू दी पावर जीरो, l टू दी पावर जीरो, t टू दी पावर जीरो भी लिख देंगे तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं।
और पावर देखिए, m के पावर y है, l के पावर यहाँ x है और l के पावर ये z आएगा, l के पावर दोनों प्रोडक्ट में है x प्लस z और t के पावर माइनस टू z। और अब आप क्या करिए, यदि ये इक्वेशन सही होगा तो पावर्स तो आप इक्वेट करोगे, क्यों भाई आपको पता है ये इक्वेशन सही है, तो m के पावर जो लेफ्ट साइड में दिखेगा वही m के पावर राइट साइड में दिखेगा, तभी तो ये इक्वेशन वैलिड कहलाएगा। सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा, आज पढ़ लो। सर मैं क्यों मान लू आपकी बात, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मत मान लो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना आराम से। टू टू द पावर एक्स है इक्वल्स टू एट, एट को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टू टू दी पावर थ्री, तो बताओ तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, थ्री। क्या ये इक्वेशन देख के आपका मन नहीं कर रहा है कि लिख दें एक्स बराबर ये टू हो गया, एक्स बराबर ये थ्री हो गया, जो पावर्स थे वो बराबर कर दिया। यदि टू टू दी पावर एक्स बराबर एट है, इसका मतलब x बराबर 3 होगा, ये पावर पावर इक्वेट कर लेंगे, काम खत्म। तो यदि कभी ऐसा आपके सामने में आ जाए कि 2 टू द पावर x बराबर 8 और आपसे पूछे x का वैल्यू, तो आप क्या करने वाले हो, तो 8 को सोचो 2 टू द पावर 3, पावर कंपेयर कर लो, क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों तरफ टू के पावर दिख रहे हैं, टू के पावर एक्स, टू के पावर थ्री, तो मतलब एक्स और थ्री बराबर होंगे। सर मन नहीं मान रहा, मन को मनाओ। चलो यहां देखो, एम के पावर्स क्या है, एम के पावर वाई और एम के पावर जीरो, तो वाई बराबर जीरो। राइट साइड में एल के पावर एक्स प्लस जेड, लेफ्ट साइड में एल के पावर जीरो, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। राइट साइड में t के पावर माइनस टू जेड, लेफ्ट साइड में t के पावर वन माइनस टू जेड इक्वल्स टू वन, तो यहाँ जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई टू वाई जीरो। रख दो k l टू द पावर वन बाई टू, m टू द पावर जीरो, जी के बाद माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन बाई टू को स्क्वायर रूट कहते हो, तो t बराबर k अंडर रूट l बाई टू। यहाँ आपने TLG में रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव किया, और ये जब SHM नाम का आठवां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी डिराइव करेंगे, यही रिजल्ट आएगा, तरीका बदल जाएगा डिराइव करने का, क्योंकि आज एक ही मेथड चैप्टर आप जानते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड जानते हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से भी हम डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं, जो पावर प्रोडक्ट फंक्शन टाइप का है, पावर वाले प्रोडक्ट में ऐसा कोई फंक्शन है। सर फिर से बताओ, देख विचार, पहले ये हैंड राइज करो, कितने के समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो फिर से समझाने की आवश्यकता दिख नहीं रही कोई खास, तो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं अगला एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में एक वेरिएशन है हल्का सा, एफ अब सोचो सीजीपीएम का आप हेड बने और आपने बेस क्वांटिटी बदल दिया, फोर्स वॉल्यूम और टाइम को ले लिया फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, और मास का डायमेंशन, तो मास क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया। डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट थोड़े ना रहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या रहता है, बेस क्वांटिटी के पावर्स वाला रिलेशन रहता है। यहां देखिए मास, मैंने मान लिया एफ के पावर एक्स, वी के पावर वाई, टी के पावर जेड, एक्स वाई जेड नंबर्स हैं, यदि एक्स वाई जेड पता चल गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा।
सर यहाँ आपने कोई कांस्टेंट के नहीं यूज किया भाई, यहाँ मेरे से रिलेशन नहीं पूछा गया कि एम निर्भर कर रहा है फोर्स वॉल्यूम टाइम पे, बताओ रिलेशन क्या होगा। यहाँ पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में जब डिराइव करते हैं तो पावर्स को कहते हैं डायमेंशन और उस रिलेशन को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ कोई के वी का काम नहीं है कांस्टेंट का। तो आपने क्या किया, अब जो डायमेंशन आपको पता है वो सारे लिख दिया आपने, मास के एम, एफ के एम एल क्यू माइनस टू, जी के एल क्यू और टी के टाइम के टी। यहाँ एल टी नहीं दिख रहा था तो एल जीरो टी जीरो ले आए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आ गया एम टू दी पावर एक्स एल। अब देखो एल के पावर दो जगहों पे है तो एक्स, और ये थ्री जेड थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई, टी के पावर माइनस टू एक्स प्लस जेड। फिर से क्या कर रहे हैं, पावर कंपेयर कर रहे हैं, एम के पावर एक्स एम के पावर वन के बराबर, एक्स का वैल्यू वन तो तुरंत निकल आया, एक्स प्लस थ्री वाई जीरो के बराबर एल के पावर से देखा। तो मास के लिए हमने देखा पावर एक्स इक्वल्स टू वन, एल के लिए देखा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, टी के लिए देखा माइनस टू एक्स प्लस जेड जीरो, जेड इक्वल्स टू टू एक्स टू। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एफ के पावर वन, एल के पावर माइनस वन बाई थ्री, टी के पावर टू। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला यदि चाहिए तो उसे लिखने का तरीका भी पता चल रहा है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही हेल्प करेगा नया डायमेंशन लिखने के लिए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, इफ द डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज मे नॉट बी यूनिक। आपको आगे जब डायमेंशन देखेंगे तो देखेंगे कि टॉर्क का और वर्क का दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशन एक जैसे होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का एक जैसे डायमेंशन होते हैं जबकि क्वांटिटी दोनों अलग अलग है, प्रेशर का और स्ट्रेस का एक जैसा डायमेंशन होता है जबकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आ रहा है क्या कि डायमेंशन केवल कह देने से हम ये नहीं बता पाएंगे ये कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि एक ही डायमेंशन के दो क्वांटिटी भी हो सकते हैं, ये लिमिटेशन है इस मेथड। दूसरा लिमिटेशन, वी कैन नॉट फाइंड न्यूमेरिकल कांस्टेंट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी अभी हमने देखा t इक्वल्स टू k अंडर रूट l बाय g, वहां के क्या है ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हम नहीं पता कर सकते, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता करना पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से नहीं पता चलेगा। और तीसरा लिमिटेशन लिख रहे हैं, वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू डिराइव रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। जैसे हमने क्या माना था, टी निर्भर कर रहा है तो हमने देखा था टी इक्वल्स टू के एल टू द पावर एक्स एम टू द पावर वाई और जी टू दी पावर जेड, मतलब पावर वाले हैं और प्रोडक्ट में हैं, इनको सम के फॉर्म में यदि लिख दिया जाएगा तो फिर हम डेरिवेशंस नहीं कर सकते, यदि किसी और फॉर्मेट में लिख दें तो फिर ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से वो डेरिवेशन करके हम रिजल्ट को निकाल सके, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर। तो हम इसीलिए यहाँ जो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं वो पावर वाले होंगे, प्रोडक्ट वाले होंगे, डिवीजन को भी प्रोडक्ट का ही एक फॉर्म आप कहते हैं नेगेटिव पावर के साथ, तो पावर वाले होंगे प्रोडक्ट में, ऐसा ही रिलेशन हम यहाँ इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। ये था डायमेंशनल एनालिसिस मेथड्स, उसके बारे में सारी चर्चा।
कभी कभी बड़े क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 के पावर्स के लिए एसआई ने एसआई प्रीफिक्स एक बनाया हुआ है, सेट ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस। जैसे किलोमीटर में के को 10 टू द पावर 3 कर देते हैं, मेगा हर्ट्ज में मेगा को 10 टू द पावर 6 कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी 10 टू द पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं, 10 टू द पावर माइनस 12, ऐसे ही हर एक के अलग अलग नाम दे दिया है। वो टेबल आपको किसी भी बुक में एनसीईआरटी में दिख जाएगा, एसआई प्रीफिक्सेस बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करने में वो हमें हेल्प करते हैं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, कैसी वर्मा जो भी है या प्रदीप जो किताब हो आपके पास कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन वाले, और आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट यदि लेक्चर रहेगा आपका ना, तो आपका लेक्चर मैंने सैटरडे संडे लिया है, तो फिर यदि नेक्स्ट लेक्चर में आप आते हैं, मुझे पहले आप जो लोग आज के लेक्चर में हैं वो मुझे ये बताइए, क्या एरर्स वाले टॉपिक में तो आप लोग साथ थे ना, यहीं तक ना छूटा था आपका? क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक आइडिया यहाँ कंप्लीट है, इसके आगे एरर्स का आइडिया में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया था हमने और उनसे रिलेटेड। तो आप यदि आपको यदि एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो एक बार हमारे जो एचआर हैं ज्योति जी उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी के लिए मात्र इतना है, थैंक यू। और यदि एक्स्ट्रा क्लास होगा तो अगले सैटरडे संडे को होगा, थैंक यू। आज का क्लास थैंक यू ऑल ऑफ यू।